अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे पास जब भी हम कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने लगते हैं और कोरिलेशन रन करने लगते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो हमारे पास वहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आती हैं। एक आती है हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन और एक आती है स्पीयरमैन कोरिलेशन। अब मोस्टली लोग जो है वो इसके अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमने इन दोनों में से कौन सा कोरिलेशन जो है वो रन करना है। इसके अलावा अगर हम लोग डेली लाइफ में वैसे ही देखें तो हमारे पास ये दो कोरिलेशन आते हैं कि अब हम लोगों को नहीं पता होता कि ये रैंक कोरिलेशन हमें किस सिचुएशन में यूज करना है और जो दूसरा सिंपल कोरिलेशन है वो किस सिचुएशन में यूज करना है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इनको हम किन किन सिचुएशन में यूज कर सकते हैं और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग कब यूज करते हैं, ताकि हमारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सो व्हाट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट? तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो मेजर करता है स्ट्रेंथ को, यानी कि कितनी ताकत या कितनी स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन है, एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कितनी है, और डायरेक्शन और उसकी किस तरीके की डायरेक्शन है, वो क्या चीज़ हमें शो कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, या कोई भी डायरेक्शन नहीं शो कर रहा, ठीक है, दो रैंक्ड वेरिएबल्स के दरमियान। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम लोग कोरिलेशन हमने पढ़ा है, कोरिलेशन के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जो है इससे पहले बना चुकी हूँ, जिन लोगों ने वो नहीं देखी तो वो जाकर वहाँ से मेरे यहाँ, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देती हूँ उस लिंक को, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या मेरे चैनल पर विजिट करके आप वहाँ पर कोरिलेशन की जो वैल्यू है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोरिलेशन में दो ही वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और हमने उन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप चेक करना होता है कि क्या इनके दरमियान रिलेशनशिप है। जबकि जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, अब इससे आपको एक रैंक के वर्ड से ही समझ आ जानी चाहिए कि हम चीज़ों को जो है वो रैंक कर देते हैं उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो जो हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है उससे क्या करते हैं, हम लोग रैंक्ड जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हमारे पास दो सेट हैं, हम उन दो सेट्स को क्या करते हैं, रैंक करते हैं उनकी वैल्यूज़ को, फिर उसके ऊपर जो है वो एनालिसिस करते हैं और उससे हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये दो रैंक वेरिएबल्स जो है वो हमें कितनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं और किस डायरेक्शन में ये हमें कोई ताल्लुक बता रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बता रहे हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे ये चीज़ जो है वो चेक करते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हेन शुड यू यूज दी स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन? आप स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो कब यूज करते हैं? तो स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और आपको पता है कि जब हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक का वर्ड यूज हो जाए तो उसका मतलब होता है कि जब हमारे पास पॉपुलेशन या हमारे पास जो डाटा है वो नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं करता, तो हम लोग जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई करती हैं। जिनको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट के दरमियान डिफरेंस नहीं पता, वो उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर देख सकते हैं, या लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँ कि आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये पियर्सन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो पियर्सन कोरिलेशन यानी कि जो सिंपल कोरिलेशन होता है हमारे पास, उसका एक अल्टरनेटिव टेस्ट है। अब आपको पता है कि हर पैरामेट्रिक टेस्ट का एक अल्टरनेटिव टेस्ट जो है हमारे पास होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, जो उसका एक अल्टरनेटिव रोल प्ले करता है। इसी तरह जो हमारे पास कोरिलेशन है उसका एक अल्टरनेटिव टेस्ट जो है वो हमारे पास है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, कि जब हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं होती तो हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है वो इस पर रन कर लेते हैं अपने डाटा पे, ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ दी टेस्ट, इस टेस्ट की क्या क्या अजम्पशंस हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। अब जब भी हम दो वेरिएबल्स को रन करते हैं तो SPSS पे जब उसका एनालिसिस करते हैं तो कुछ उसकी अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। वैसे तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो अजम्पशन फ्री है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं कर रहा होता, इसकी कोई भी ऐसी अजम्पशन नहीं होती। लेकिन जब किसी सिचुएशन में हम लोग जब उसको किसी भी उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो स्केल सेटिंग किस तरह करना है उन वेरिएबल्स का, या किस तरह का डाटा हो तो उसके ऊपर ये वाला
जो है वो रन करेगा, डाटा हमारे पास जो है वो नॉर्मल ही होता है, ठीक है, नॉर्मल नहीं होता, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पहली चीज़ देख लेते हैं कि हमें ज़रूरत होती है दो वेरिएबल्स की, या तो वो ऑर्डिनल फॉर्म में हो, इंटरवल, या रेशो फॉर्म में हो। अब स्केल्स के बारे में भी मैंने एक लेक्चर जो है वो डिटेल में बनाया हुआ है कि ये इंटरवल, रेशो स्केल, नॉमिनल स्केल, ये कौन से किस तरह के स्केल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये वाला स्केल पे भी लेक्चर है, वहाँ से मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो को। तो जो ये ऑर्डिनल स्केल होता है, यानी कि ऑर्डर के फॉर्म में है, इंटरवल, इंटरवल का कोई होता है सीक्वेंस के तौर पर, रेशो यानी कि परसेंटेज के फॉर्म में आपके पास डाटा है, तो आपके पास इस तरह का डाटा हो तो आप उसके ऊपर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन रन करते हैं। मोस्टली हमारे पास इजीली जो है वो ऑर्डिनल डाटा जो है वो अवेलेबल होता है। अक्सर हमारे क्वेश्चनियर में हमने एक ऑर्डर के फॉर्म में डाटा एंटर किया होता है, तो वो हमारे पास एक ऑर्डिनल डाटा अवेलेबल होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा है कि हम लोग जो है स्पीयरमैन कोरिलेशन जो है वो तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नॉर्मेलिटी की अजप्शन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, यानी कि डाटा नॉर्मल होता है और हम लोग जो है वो पियर्सन कोरिलेशन यूज़ नहीं करते, तो फिर हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं और पढ़ते भी हैं, स्पीयरमैन कोरिलेशन जो है वो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो स्पीयरमैन कोरिलेशन से हम लोग स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है वो चेक कर लेते हैं दो रैंक वेरिएबल्स के दरमियान। अब वो ये जब हम स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को फाइंड करते हैं तो एक मोनोटोनिक रिलेशनशिप जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो आता है, ठीक है, रादर देन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन योर टू वेरिएबल्स विच इज़ व्हाट पियर्सन कोरिलेशन डिटरमाइंस। अब क्या होता है इसकी इसकी स्टोरी मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताती हूँ कि पियर्सन कोरिलेशन जो है उस पियर्सन कोरिलेशन में क्या होता है कि हम लोग दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करते हैं कि क्या वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, या कोई भी रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लॉजिकली भी और जो है वो कह लें कि एनालिसिस के तौर पर भी हम लोग इसको चेक करते हैं कि एनालिसिस करने के बाद वो रिलेशनशिप करता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और लॉजिकली भी चेक करते हैं, ठीक है, उसमें हम मेन जो है वह ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन जो है वो रन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, दो वेरिएबल, दो रैंक वेरिएबल्स के दरमियान। तो इन दो रैंक वेरिएबल के दरमियान जब हमारे पास एक मोनोटोनिक रिलेशनशिप, ठीक है, वो एग्जिस्ट करे, तो हम कहते हैं कि हम इसके ऊपर जो है वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है वो रन करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक मोनोटोनिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे तो हम इसके ऊपर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है वो रन करेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन है एक, ठीक है। अब आपने एक सिचुएशन हमने ये डिस्कस की कि एक वो ऑर्डिनल फॉर्म में होना चाहिए या इंटरवल या रेशियो। मोस्टली हमें ऑर्डिनल फॉर्म में डाटा अवेलेबल मिल जाता है। दूसरी सबसे मेन अजप्शन के डाटा नॉन नॉर्मल होना चाहिए, और तीसरी अजप्शन ये है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो मोनोटोनिक होना चाहिए, ठीक है। अब ये मोनोटोनिक रिलेशनशिप क्या होता है ये पहले देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज मोनोटोमिक रिलेशनशिप, जो मोनोटोमिक रिलेशनशिप है उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये क्या है कि मोनोटोमिकली वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल एक्स है, यानी जो एक वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है और जो दूसरा वेरिएबल है वो डिक्रीज नहीं हो रहा, नेवर डिक्रीज, ठीक है। मतलब ये होता है ना कि हमारे पास कोरिलेशन में क्या सिचुएशन थी, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, और अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है मोनोटोमिक रिलेशनशिप में क्या है कि पहली सिचुएशन ये जो आप ये वाली डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो एक वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो किसी ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। अब जो ये दूसरी इमेज है इसके अंदर क्या है कि जो एक वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, यानी एक्स जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो वाई वेरिएबल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, ना वो इंक्रीजिंग में आ रहा है ना वो डिक्रीजिंग में आ रहा है, ठीक है, सिर्फ एक ही वेरिएबल हो रहा है। और जो थर्ड वन ए रिलेशनशिप है इसमें है कि नॉट मोनोटोनिक रिलेशनशिप, यानी कि ना एक्स जो है एक्स वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है और जो वाई वेरिएबल है वो कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है, यानी ठीक है,
यानी कि आपके पास पहला रिलेशनशिप में क्या आपने आपने ग्राफिकली इसको ड्रॉ किया, आपने जो दो वेरिएबल्स को रन करना है आपने वहाँ के वहाँ पे जाके एनालिसिस में गए और वहाँ से जाके एक स्कैटर प्लॉट बनाया, ठीक है। स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम देखेंगे कि अगर वो इस तरह की शेप देगा, यानी कि या तो इस तरह आएगा या वो इस तरह सीधा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो मोनोटॉमिकली जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग रिलेशनशिप शो कर रहा है। अगर वो इस तरह की शेप देगा तो उसका मतलब है कि वो मोनोटॉमिकली डिक्रीजिंग की शेप दे रहा है, कि अगर एक वेरिएबल एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर वो इस तरह की दे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन वाली, मतलब कि एक तरह यू वाली ऑलमोस्ट शेप दे, तो इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल कभी इंक्रीज होता है और कभी डिक्रीज होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको जो है पिक्चर नजर आती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है वो मोनोटॉमिक रिलेशनशिप शो कर रहा है और इसके ऊपर हम लोग स्पीयरमैन रैंक और रिलेशन जो है वो लगा कर इसको रैंक वैल्यू करके इसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि क्या ये मोनोटॉमिक रिलेशनशिप हम लोगों के लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है, अगर ये वाली एक्सेप्शन नहीं होगी तो क्या हम लोग ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक बेसिक सी चीज़ जो है, मैं एक ये मेरी एक्सेप्शंस को इन एक्सेप्शंस को डिफाइन करना जो है वो ज़रूरी था, क्योंकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि हम ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आपको इंटरप्रिटेशन में मसला ना हो और आपको उसको क्लैरिफाई करने में भी मसला ना हो। तो ये असम्पशंस मेन मेन होती हैं। अगर आप देखें तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर कोई भी असम्पशन जो है वो साइंटिफिकली इम्प्लाई नहीं होती, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है, जबकि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट होते हैं और उसके ऊपर जो असम्पशंस होती हैं जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाती वो फुलफिल नहीं होती, हम वो टेस्ट जो है वो रन नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जिस तरह आप स्पीयरमैन कोरिलेशन है, वो हमारे पास एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जिसके अंदर अगर हम कोई असम्पशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना भी दें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये कोई ऑर्डिनल फॉर्म में हमारे पास दो क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है, दो वेरिएबल्स जो है हमारे डाटा सेट में ऑर्डिनल फॉर्म में होने चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग ये टेस्ट जो है वो लगा लें, ठीक। तो ताकि रैंक दो वेरिएबल्स होने चाहिए, यानी कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है तो वो वाली एक असम्पशन जो है फुलफिल हो जाए और दूसरी जो ऑटोमेटिकली हो जाती है कि जो डाटा है वो नॉन नॉर्मल है। जो मोनाटॉमिक रिलेशनशिप वाली है वो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कोई भी रिस्ट्रिक्टिव असम्पशन नहीं है, कोई भी असम्पशन नहीं है, तो हम लोग के लिए इतना ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। आप देख सकते हैं इसको, आप क्या करें, आपके पास अगर दो वेरिएबल्स हैं रैंक हैं ऑर्डर फॉर्म में, आप उसके ऊपर स्कैटर प्लॉट बना कर देख लें और उसको भी क्लैरिफ उसको भी एक कह लें कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं हाई लेवल पर, तो वो लोग इसको अगर क्लैरिफाई करेंगे तो उनकी जो ज़्यादा अच्छी तरीके से रिसर्च लगेगी, उनके जो आप लिखते हैं मेथोडोलॉजी में उसको एक्सप्लेन करते हैं बताते हैं चीज़ों को, वो अच्छी तरीके से लगेगा कि हमने एक स्कैटर प्लॉट देख के एक रिलेशनशिप देखा, उसको देखा कि ये रिलेशनशिप जो है दो प्लॉट नहीं शो कर रहे, दो वेरिएबल्स नहीं शो कर रहे, तो हमने इसके ऊपर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन लगाया। अगर आप इसको यूज कर लें तो ठीक है स्कैटर प्लॉट के थ्रू, और अगर आप नहीं भी करते सिर्फ ऑर्डिनल डाटा की फॉर्म में ही देखते हैं कि हमारे पास दो ऑर्डिनल स्केल पे डाटा है दो वेरिएबल्स का, तो हम उसके ऊपर स्पीयरमैन रैंक और रिलेशन लगा रहे हैं तो भी ठीक है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस ठीक है, आप कर लें या आप ना करें, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक। अब हम इसके टेस्ट रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास कोरिलेशन की रेंज जो थी वो भी -1 से 1 तक थी, इस तरह स्पीयरमैन की जो रेंज है वो भी हमारे पास -1 से 1 के दरमियान है। अगर तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 1 होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा और पॉजिटिव 1 के करीब होगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहा है दो रैंक्स के दरमियान। अगर नेगेटिव 1 है, यानी कि वो एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बता रहा है दो रैंक के दरमियान, और अगर 0 है जिसका मतलब है कोई भी कोरिलेशन नहीं बता रहा रैंक के दरमियान, जो बेसिक जो एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट स्टैटिस्टिक है, वो ये वाली जो है वो फार्मूला जो है वो यूज किया जाता है इस टेस्ट के लिए, जो कि आपको SPSS पे या एक्सेल पे या मिनीटैब वगैरह पे इधर जाके ये फार्मूला नहीं एंटर करना पड़ता, आप सिंपल जाके उनके एनालाइज या एनालिसिस में जाके ये टेस्ट रन करते हैं, ना ही आपको वैल्यूज रैंक करनी पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी वो ऑर्डिनल डाटा होता है, ना ही कुछ और करना पड़ता है, मैनुअली आपको सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको चीज़ें देखनी पड़ती है, आप सिर्फ क्लिक करते हैं और आपके पास सारे के सारे जो है वो रिजल्ट आ जाते हैं। सिर्फ ये मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ता है कि आपने इसके लिए किस किस स्टेप्स को यूज़ करना है। अगर आप मोनोटॉमिक रिलेशनशिप को चेक कर स्पीयरमैन लगाओगे तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है।
होप सो कि आपको स्पीयरमैन रैंक और रिलेशन जो है वो समझ आया होगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। मिलते हैं कल एक नई लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।